सोलन सब्जी मंडी में कुछ दिन पहले तक किसानों को टमाटर के दाम बहुत अच्छे मिल रहे थे। सोलन के किसान बहुत ज्यादा खुश थे। टमाटर लाल सोना बनकर किसानों को माला माल कर रहा था क्योंकि उनकी उम्मीद से अधिक मूल्य मंडी में मिल रहा था। 25 किलो टमाटर की क्रेट 1200 रुपए तक मंडी में बिक रही थी। लेकिन अचानक से टमाटर के मूल्यों में गिरावट आई। अब किसानों के साथ साथ दुकानदार भी बेहद हताश और निराश नजर आ रहे हैं। टमाटर के मूल्यों में कई गुना गिरावट दर्ज की गई है। सोलन बाजार की अर्थव्यवस्था टमाटर पर टिकी है क्योंकि टमाटर सोलन की कैश क्रॉप है। किसान की जब जेब भरती है तो बाजारों में भी ग्राहकों की रौनक आती है, अन्यथा बाजार भी मंदा छा जाता है। सोलन सब्जी के व्यवसायी जतिन सानी ने किसानों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि टमाटर के दामों में करीबन 10 गुना गिरावट आई है, जिसकी वजह से लगता है कि सब्जी मंडी में कुछ दिनों बाद टमाटर का कोई खरीदार भी नहीं मिलेगा, जिसका असर सोलन के बाजार पर भी पड़ेगा और सोलन में मंदी की लहर देखी जा सकती है। इस हिसाब से टमाटर की स्थिति लग रही है ना, इस हिसाब से लग रहा है कि 3-4 दिन बाद तो मंडी में टमाटर खरीदने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो बेंगलोर की बम्पर क्रॉप है वो दिल्ली आ रही है और स्टेटों से जो बेंगलोर का टमाटर सभी जगह पे आ रहा है वो 400 रुपए नीचे टॉप क्लास टमाटर बिक रहा है, जो कि आप ये मान के चलो कि उसने हिमाचल के हमारे सोलन के टमाटर को बिल्कुल रेट गिरा दिया। और ये जो टमाटर का रेट जो गिर रहा है बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारी सोलन की कपड़े की मार्केट है, जूते की मार्केट है, राशन की मार्केट है, रियल एस्टेट की मार्केट है, जो भी टोटल एंटायर मार्केट सोलन में जो भी लोग व्यापार करते हैं सारा व्यापार टमाटर के जिम्मेदार के ऊपर ही डिपेंड है। और अगर अब टमाटर का रेट नहीं चढ़ा और कम से कम इनको एक समर्थन मूल्य सरकार को देना चाहिए टमाटर वालों को, क्योंकि जैसे सेब का समर्थन मूल्य मिलता है टमाटर वालों को भी समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। जी पूरे साल की मेहनत है उन बेचारों की, जिम्मेदारों की, जो हमारे भाई बहन किसान भाई जो हमारे पूरे साल फसल उगाते हैं, कल को अगर उनको उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो वो बेचारे अपना बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। इस रेटों पे तो ना बीज का खर्चा पूरा हो रहा है, ना स्प्रे का खर्चा पूरा हो रहा है, और 20 रुपए ग्रेड ट्रांसपोर्टर लेता है मंडी तक पहुंचाने का, 10 रुपए किसान के करेट के कट जाते हैं जो जिस करेट में टमाटर लाता है, लेबर कट जाती है, तो इस हिसाब से तो किसान के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा। और हमारे लिए भी रिस्क है ये, क्योंकि हफ्ता पहले भाई साहब जैसे बता रहे हैं हमारी दुकान से 10 दिन पहले टमाटर 60 रुपए ले गए, तब 1200 रुपए करेट थी, आज वही टमाटर मैंने इनको 20 रुपए किलो दिया है, और ये भी कल आया था, जो आज आया वो तो तकरीबन 15 रुपए किलो ही देने को तैयार हूँ मैं टमाटर के, 15 रुपए ले जाओ, और कोई करेट लेना चाहे तो मैं बोलता हूँ 7-8 रुपए किलो भी देने को तैयार हूँ ताकि हमारा टमाटर भी क्लियर हो जाए, हम भी कितना टमाटर संभालेंगे। जी रोज 20-30-40 करेट आते हैं, रिटेल में कोई सेल ही नहीं हो रही। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 8218-00003 या 8218-00004।